कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जय भोली बाबा की। अब दीजिए, दीदी मैं आपकी भाभी हूँ, कोई पुराने बरगद की चुड़ैल नहीं हूँ। सुबह से जब जब मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे देखकर इधर उधर हो जाती हैं। दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या बातें करनी है भाभी, पर वो बात करने का ये समय नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं क्या बात करने वाली हूँ? जब आप और समधन जी बातें कर रहे थे तब मैं वहीं पीछे खड़ी थी, सब सुन लिया मैंने। भाभी भाभी आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, नेहा का ये रिश्ता भी आप ही ने करवाया है। पर भाभी देव की शादी मुझे अभी नहीं करनी है। देखिए जीजी, मैं जो कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। देव का भला बुरा सोचने का अधिकार मेरा है भाभी। मैं उसके लिए लड़की चुनूंगी और वो लड़की सलोनी नहीं हो सकती। क्या खराबी है सलोनी में? खराबी कोई नहीं, पर जैसी बहू मैं चाहती हूँ ना, वो वैसी बहू नहीं है। बस आपने देखा नहीं पार्टी में जिस तरह वो सबके सामने देव का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी बिना कुछ ज्यादा पहचान के? मुझे नहीं पसंद। जीजी जहाँ रूप होता है वहाँ अदाएं आ ही जाती हैं। गुलाब के फूल के साथ कांटे होते ही हैं। पर मुझे अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है भाभी, गुलाब का नहीं। और बस सलोनी जैसी लड़की मेरे देव की जीवन संगिनी नहीं हो सकती। बस भगवान। बहन जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने जो सुनना था सुन लिया। आप गलत समझ रही हैं बहन जी, वो शाहदरा वाले काने भैया है ना, उनकी छोटी लड़की, उसका नाम भी सलोनी है। जी जी उसी के बारे में बात कर रही थी, है ना? बेवकूफ समझ रखा है क्या राधा रानी? आपको देव का रिश्ता सलोनी से नहीं करना। मैं पूछती हूँ क्यों, क्या कमी है सलोनी में? गोरी चिट्टी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, मिस पंजाबी बाग कंपटीशन में सेकंड नंबर पर आई थी, पर आप उसकी इंसल्ट कर रही हैं। माँ क्या हुआ? मुझे अपने बेटे की खुशियां प्यारी हैं, पर अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा नहीं। आंटी प्लीज आप। ये हमारा बड़प्पन था जो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, वरना ऐसी लड़की जो शादी से पहले ही घर तोड़ने की बात करती, कहती है कि शादी के बाद ससुराल के साथ नहीं रहेगी, अलग रहेगी, उसके लिए कौन हाँ करता? चलो जी ये भी मान लिया, समीर के पापा का छोटे बच्चों के ट्वाइस का काम है। अरे जब अपना ही पोता पोती नहीं होगा तो अपनी ही दुकान में बैठकर उनका जी नहीं चलेगा? जी पर अपने पोता पोती क्यों नहीं होंगे? होंगे। वाह जी वाह, तो आपको भी नहीं मालूम? समीर ने हमें बताया आपकी लाडली ने समीर से सबसे बड़ी शर्त ही यही रखी कि वो शादी के बाद मां नहीं बनेगी। जो भी हुआ हम उसे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। आराम से बैठकर डिस्कस किससे किया जाता है? दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजनबियों के साथ नहीं। लेकिन आंटी ये दोनों परिवार भी तो एक रिश्ते में बंधने वाले हैं ना? ये शगुन का नारियल ये समीर को दिया था ना आपने, इसे रखिए अपने पास, मैं आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। हम चलते हैं। आंटी देखो मुझे अब कुछ मत कहना,
मैं फैसला ले चुकी हूँ। नहीं मम्मी, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। वाह, बहू तो अपनी हुई नहीं, बेटा पराया हो गया। तो क्यों कह रसमीर? मम्मी, आप बिना वजह इस बात को इतना बढ़ा रही हैं। देव भाई नेहा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ बहन जी, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मम्मी आप किस बात पे नाराज हैं? इसी बात पे ना कि आंटी ने देव भाई का रिश्ता सलोनी के लिए ठुकरा दिया। देव भाई, मेरी मम्मी ने नेहा की हर शर्त मानी है, आप उनकी ये शर्त मान लीजिए, ये रिश्ता बच जाएगा। देव भाई जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी बेटी ने ये सारी शर्तें रखकर गुनाह जरूर किया है, पर गुनहगार वो नहीं है, गुनहगार तो मैं हूँ। हाँ, अच्छे कभी गलत नहीं होते, उनकी परवरिश गलत होती है। मेरी परवरिश में जो कुछ भी कमी रह गई है, उसकी सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। बहन जी, बच्चों की खातिर माफ कर दीजिए। समीर जैसा जीवन साथी मिलना नेहा का सौभाग्य है। देखिए बहन जी, आप ये पहाड़े तो मुझे मत पढ़ाए, सीधे सीधे बताइए, आप देव की शादी सलोनी से करेंगी या नहीं? माफ कर दीजिए, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। जी जी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप अगर कहेंगी तो देव कभी मना नहीं करेगा। जी जी, सिर्फ एक टांके की जरूरत है, रिश्ता बच जाएगा। ये रिश्ता बचाना मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा? पर फिर भी मेरे बेटे की जिंदगी का कोई भी फैसला किसी भी दबाव में आकर नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता मत तोड़िए, प्लीज। समीर और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं, सोसाइटी में सब जानते हैं कि रोका हो चुका है, कितनी बदनामी होगी दोनों फैमिलीज की। अच्छा, और मेरी बेटी की बदनामी का क्या? सबके सामने तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराकर जो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, ये उसका जवाब है, और ये जवाब तुम्हारी बहन की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब फैसला मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया है, बदलना ही नहीं है हमें नहीं। चलो। ईश्वरी जी, मैंने उनसे वादा किया था, देव की शादी सलोनी से होगी। राधा रानी, आप छोड़ना ये सब। आप चुप रहिए, बात कर रही हूँ ना मैं। वादा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती भाभी, देव की जिंदगी के फैसले करने का हक सिर्फ मेरा है। सही कहा आपने, नेहा का रिश्ता पक्का करवाया तो वाह भाभी, देव का रिश्ता कराने चली तो ना भाभी। क्या सिर्फ देवी आपका बेटा है और नेहा वो पराई है?
भाभी कम से कम आप मुझ पर ये इल्जाम तो ना लगाएं। हाँ भाई कुछ भी बोले जा रहे हैं। बस और कुछ नहीं सुनना है मुझे, हटिए। सॉरी गुरूर होता है वो तमगे की तरह अपने सीने पर लगा कर रखते हैं। मेरा तमगा आज मेरे सीने में छुप गया। तूने मुझे नेहा की ये मां ना बनने की जिद छुपा कर रखी। एक तो नेहा की वो शर्त परिवार वालों के साथ ना रहने की, वो भी गलत थी। उसके ऊपर मां ना बनने की ये जिद तुमने मान ली। हम मां से ये बात छुपा कर रखी। देव जानता हूं मां, नेहा की ये शर्त गलत है। मेरा तुझसे इस बात को छुपाना भी गलत है, मगर मैंने ये गलती इसलिए की क्योंकि मैं नेहा को खुश देखना चाहता हूं। मुझे लगा कि समीर का प्यार नेहा के पुराने जख्मों को भर देगा, इस उम्मीद से कि मैं अपने जख्मों को भूल जाएगी और अपनी शर्तों को। जब उम्मीद ही आधी हो तो उस पर यकीन पूरा नहीं करते थे। नेहा की शर्तें गलत थी और वो शर्तें मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दी, दी, दी। मेरी शर्तें आप माने या ना माने पर मैं उन्हें कभी नहीं बदलूंगी, आज और ना कभी शादी के बाद। बचपन से लेकर आज तक ना थक चुकी हूँ मैं आपकी बातें सुन सुन कर एडजस्ट कर कर कर। पहले इनको पालो और फिर बच्चों को पालो। क्यों? मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, अब सिर्फ अपने हिसाब से। यहाँ दरवाजा खोलो। नेहा दरवाजा खोलो। तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा, मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। नेहा नेहा दरवाजा खोलो। नेहा अब कुछ भी कहेंगे उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। पता नहीं मेरी गलती है या उसने ज्यादा गलत समझ लिया या शायद हम दोनों की गलती है। नेहा नेहा के लिए दुनिया में मां बनने से बड़ा सौभाग्य नहीं होता। और नेहा तो मां ही नहीं बनना चाहती। ये सब मेरे परवरिश की, मेरे संस्कारों की हार है। ये मेरी हार है। नहीं मां। हाँ मैंने नेहा से उसका हक छीना, उसकी सजा दे रही है वो मुझे। सजा दे रही है। माँ, हारते वो हैं जो कोशिश करते हैं। तूने हमेशा कोशिश की है माँ। तूने हमें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है, अपने बच्चों का कल संवारने की कोशिश की। ये बात मैंने तुझसे भी सीखी और आज मैं भी ये कोशिश फिर से करूंगा। मैं कोशिश करूंगा समीर को मनाने की। नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ वो लोग भूलेंगे नहीं और ना ही नेहा को भूलने देंगे।
अब ये रिश्ता मुमकिन नहीं। कब्ज़ मिस्टर ओबुद्रो का वॉलेट लौटा है। मिस्टी डोंट टेल मी कि मिस्टर ओबुद्रो का डील आपका लास्ट डील था और आपने फिर से जॉब छोड़ दिया। तुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि आपको जब पैसे चाहिए होते हैं ना तो मैं सोना से मिस्टी बन जाती हूँ। जॉब क्यों छोड़ा? पहले की तरह जहाँ ऑफिस से व्यू अच्छा नहीं था, या उसके पहले की तरह जहाँ बॉस डीओ नहीं लगाता था। मेरा बॉस के साथ झगड़ा हो गया। क्यों? अरे वो चिकन फ्राई को माछेर झोल से बेटर बता रहा था। चिकन फ्राई और माछेर झोल दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ चिकन फ्राई, कहाँ माछेर झोल, तुम्हें मालूम है ना? कब तक ऐसे करोगे भाई? कभी तो सेटल होना पड़ेगा ना। घर का रेंट भरना और स्कूटी का ईएमआई तो सोच के बताना। दो दिन से जिसे देखो बागी नहीं कर रहा है। मेरे पास पैसा है ना? मेरे पास पैसे आएंगे ना सब तुझे दे दूंगा और गिफ्ट भी दूंगा मेरी तरफ से। चाय लाई। गुड मॉर्निंग सर। आप उठ गए सर? चाय के साथ कौन से बिस्किट लेंगे सर, क्रीम वाले या सादे चलेंगे? डैड घर है, कोई होटल नहीं जो आप ऐसे पूछ रहे हो। अच्छा ये घर है? हाँ भाई, अगर तुझे लगता है कि ये घर है तो बेटा घर की तरह रहा कर। रात भर घर से बाहर रहता है और सुबह सुबह आके चिल्लाता है चाय। ईश्वरी सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? हेलो बुआ। हाय निकी। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की जीजी? मुझे को बुलवा लेती, कल मेरी बेइज्जती में अगर कुछ कमी रह गई थी तो मैं वहां आकर पूरी करवा लेती। भाभी मैंने आज तक आपकी कोई भी बात ना मानी हो ऐसे कभी हुआ है? नहीं। आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं भाभी। हाँ तो मैं तो आंखें बंद करके अपने सारे अधिकार सारे फैसले आप पर सौंप दूं। बस भाभी मेरा भी मन करता है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी का ये फैसला खुद करूं। आपका भी तो एक बेटा है, आपसे ज्यादा मुझे कौन समझ सकता है? भाभी क्या आप मेरी गलती के लिए मुझसे हमेशा के लिए नाराज रहेंगे? अपनी ननंद की खलौती गलती को माफ कर दीजिए ना भाभी। भाभी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया आपको। और वैसे पूरी पुरानी दिल्ली में मशहूर है राधा रानी का दिल बहुत बड़ा है। हाँ भाई ये बात तो सही है।
क्या बात है जीजी, आप अभी भी परेशान हैं? आपसे एक मदद और चाहिए। नेहा बेटा दरवाजा खोल। बेटा मैं हूं तेरी मामी। नेहा नेहा बेटा नेहा बेटा तू चिंता मत कर, तेरी ये मामी तेरे लिए एक से एक रिश्ता ढूंढ कर लाएगी। प्लीज लेकर आओ मामा, अभी तो एक रिश्ता टूटा है, उससे माँ का दिल थोड़ी भरा होगा। अभी तो काफी सारे रिश्ते टूटने। नेहा मैं पहली बार इतनी खुश थी, पर माँ से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। तो कैसी बातें कर रही है? बधाई हो माँ, आप जो आज तक करती आई थी आपने कल फिर से कर दिया। देव भाई के लिए मेरी खुशियों की बलि फिर से दे दी। नेहा बेटा ऐसी बात नहीं है। तो कैसा है फिर, पूछिए इनसे, अगर ये देव भाई ऐसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती तो उन्हें ही सबसे अच्छे स्कूल में क्यों भेजा, उन्हें इतने सारे मौके क्यों दिए? क्योंकि देव सबसे बड़ा था, पढ़ाई में सबसे तेज था, वो हमारे आगे बढ़ने की उम्मीद था वो। नेहा मेरा भगवान जानता है कि मैंने देव को कभी तुझसे ज्यादा प्यार नहीं किया, पर हाँ तुम सबकी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाली है मैंने। वक्त मुश्किल हो तो फैसला लेना आसान नहीं होता, हम सब ने बहुत सहा है बेटा। सहा होगा, मैं सबकी नहीं मैं अपनी बात कर रही हूं, मेरी खुशी तो आपने मुझसे छीनी है, काश आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। नेहा सच कड़वा होता है भैया, और सच ये कि माँ ने हम लोगों में भेदभाव किया है। माँ के लिए हम सब बराबर हैं। माँ कहती है ना कि हम पांच इस घर की पांच उंगलियां हैं, पर हर कोई जानता है कि पांच उंगलियां कभी भी बराबर नहीं हो सकती, पर ये रिश्ता मेरी शर्तों ने नहीं आपकी जिद ने तोड़ा है, ये भैया के लिए आपके प्यार ने तोड़ा है। आपके चार बच्चे तो जरूर है लेकिन माँ सिर्फ आप एक की ही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.